आप अभी वो टॉपिक करो जो जो फिक्स है आना, ठीक है, फिक्स है, उसका प्रायोरिटी मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। उस चैप्टर को मत क्लिक करो अगर आपका प्रिपरेशन वीक है थोड़ा। 80 मार्क्स आपका इजीली गेन हो सकता है यार इसमें, 80 मार्क्स तक इजीली ये सब टॉपिक को करके कंप्लीट। 80 फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो मेनली सबको कंफ्यूज करता है, सबको इससे परेशान रहते हैं फिजिक्स से, और जेई मेन के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड आज स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और ब्लूप्रिंट देखेंगे। मैंने इससे पहले यार प्रीवियस वीडियो में आपको मैथ्स का ब्लूप्रिंट, हर एक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया है और स्ट्रेटजी बहुत अच्छा से बताया है, जिससे कि आप 70 to 80 मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हो बाय यूजिंग कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को करने के बाद। आपको मेनली देखिएगा, ये मेरा बनाया हुआ नहीं यार, ये एनालिसिस है, ये मेनली लास्ट 4 ईयर्स का मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो उसके बेसिस पे ऐसा ही आएगा, और लास्ट 4 ईयर्स किया आप लास्ट 10 ईयर्स भी देख लोगे तो ऐसा ही वेरिएशन आया है। ठीक है, जिस जिस चैप्टर को मैंने बताया था वो चैप्टर बहुत ज़्यादा गिरा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है क्लियरली। आज फिर इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसको अगर आप कर लोगे तो मेनली 60 to 70 मार्क्स इजीली गेन हो सकता है, 90 तक भी जा सकता है। सो हाय गाइस, बैक द साइड एंड वाचिंग एडुकेटिव वीके। चलिए बिना कुछ देर के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, फिजिक्स का आपका ब्लूप्रिंट और स्ट्रेटजी। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स 11 12 मिला के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें मेनली आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो बहुत सारे पार्ट में। तो मेनली आपका यूनिट डायमेंशन और आपका लॉज ऑफ मोशन वाला एक पार्ट हो जाता है, इसमें पूरा आप मान सकते हो, ग्रेविटेशन एक पार्ट हो जाता है, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एंड सॉलिड एक पार्ट हो जाता है, उसके बाद SHM एंड वेव्स एक पार्ट हो जाता है। ये 11 का आप पार्ट बोल सकते हो। 12 में मेनली आप डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट वगैरह को आप एक साइड रख सकते हो, मैग्नेटिज्म वाला को, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक साइड रख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स एक तरफ आ सकता है, वे ऑप्टिक्स एक तरफ आ सकता है। ठीक है, सो इस टाइप से, और अल्टरनेटिंग करंट्स एंड EM वेव्स को भी एक जगह रख सकते हो। सो इतना टाइप से आप उसको बांट सकते हो ईजिली। सो यहाँ पे हम लोग तो पूरा चैप्टर वाइज देखेंगे सारा। यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका 11 का है, यहाँ से आपका 12 शुरू है। सो चलो देखते हैं अच्छा से ब्लूप्रिंट, ठीक है, क्या क्या आया है। लास्ट 4 ईयर्स याद रखना, बार बार बोल रहे हैं 4 ईयर्स, ठीक है 4 ईयर्स। सो डायमेंशन एंड एरर, सबसे पहला डायमेंशन चैप्टर है 11 का। सो डायमेंशन से आपको 0 to 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 0 to 2 क्वेश्चन तक आया है, और एरर में 0 to 2 क्वेश्चन। तो एवरेज 0 to 2 क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है, 0 to 2 क्वेश्चन का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे मेनली 2 क्वेश्चन गिरता, हो सकता है इससे एक इससे गिर जाए, या तो दोनों ही क्या किसी एक से ही 2 क्वेश्चन गिर जाए, ऐसा भी होता है एक भी क्वेश्चन गिरता है तो मेनली 2 क्वेश्चन तक मान सकते हो। अगर एवरेज मानना है तो एक मान के चलो, ईजी रहेगा। इसके बाद काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में मेनली एक क्वेश्चन रहता है, काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स से गिरने का, ठीक है, इससे ज़्यादा भी गिर सकता है लेकिन एक क्वेश्चन आप एवरेज मान के चलो एक क्वेश्चन गिरता ही गिरता है काइनेमेटिक्स से। उसके बाद आते हैं मोशन, इसमें लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों मिला के, ठीक है, तो मोशन का लॉज ऑफ मोशन से अगर देखें, इसमें तीनों लॉज और प्लेन वाला भी सारा मिला के, फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ लेके, यहाँ पे 0 to 1 तक, मीन्स 1 तक आता है सबसे, ठीक है 1 तक आता है। इसमें सर्कुलर मोशन में ज़्यादा है 0 to 2, बिकॉज सर्कुलर मोशन को ज़्यादा प्रेफर करता है JEE, सर्कुलर मोशन ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू मोशन। तो यहाँ पे 0 to 1 आ रहा है, यहाँ से 0 to 2 आ रहा है, तो बोल सकते हैं हम कि सर्कुलर मोशन में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा हुआ, सर्कुलर क्वेश्चन मोशन से हो सकता है 2 क्वेश्चन आए और उस समय आपका मोशन से एक भी ना आए, या तो 1-1 हो सकता है, कंबाइन करके हम बोल सकते हैं 0 to 3 क्वेश्चंस ये दोनों मिला के आ सकते हैं, 0 to 3 क्वेश्चंस। तो 0 to 3 क्वेश्चंस आप मेनली 2 मान के चलो, ठीक है, परफेक्टली 2 मान के चलो, उतना तो आएगा ही आएगा, ठीक, मैक्स 3 आएगा। वर्क पावर एनर्जी पे आते हैं, तो यहाँ पे 1 to 2 जाता है, यहाँ कन्फर्म है 1 to 2, एक क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक है, आप कर सकते हो। आगे आते हैं, एक बार डिस्कस कर ले तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास इनर्सिया में आओ यार, तो यहाँ पे 0 to 2 आता है, लेकिन रोटेशनल डायनेमिक्स में वही कन्फर्म है 1 to 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इससे अच्छा ये कर सकते हो रोटेशनल डायनेमिक्स जिसमें कन्फर्म है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 1 to 3 क्वेश्चन, यहाँ पे आप 2 मान सकते हो, परफेक्टली आएगा ही आएगा। फिर आते हैं ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में 0 to 1 क्वेश्चन, कभी कभी ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नहीं आया है बहुत सारे ईयर्स में, लास्ट में आपका मेनली 2016 में ये सब में आपका आया नहीं है ग्रेविटेशन से क्वेश्चन, ठीक है, तो इसीलिए 0 to 1 तक एक क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है क्वेश्चन, ठीक। आगे आते हैं,
आपका ये पार्ट खत्म होने के बाद इलास्टिसिटी मटेरियल्स में आते हैं, आपका प्रॉपर्टीज ऑन बल्क मैटर। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी से शुरू करते हैं, इलास्टिसिटी टॉपिक से 0 से 1 क्वेश्चन, यहाँ पे सारा 0 से 1 है। देखो इलास्टिसिटी से भी 0 से 1 है, फ्लूइड में भी 0 से 1 है, कैलोरीमेट्री में भी 0 से 1 है, थर्मल एक्सपेंशन 0 से 1 है, हाइड्रोमीटर एंड ट्रांसमिशन 0 से 1 है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट 0 से 1 है। तो ये पूरा जो बल्क मैटर वाला जो है एक पार्ट, ये पूरा 0 से 1 तक है। मीन्स इसमें से मेनली आपका 3 क्वेश्चन गिर सकता है किसी को भी कॉम्बाइन करके, ठीक है। अल्टरनेटिवली चलता है ये, इसमें कोई नहीं बोल सकता कि आगे ये आएगा ही आएगा, बिकॉज ये अल्टरनेटिवली चलता है। कभी कभी 2 साल में रेगुलर आया है, कभी नहीं आया है, ऐसा भी हुआ है। सो इसमें अल्टरनेटिवली चलता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं यार कि गारंटी किस किस से गिरेगा, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं इससे 3 क्वेश्चन तक गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, मिला मिला के, ठीक। अगर बेकार से बेकार पेपर आया तो या 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, बट मिली थी बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको ये पता होगा, इसलिए जेई को इसके इससे देना ही पड़ता है क्वेश्चन। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप समझो, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, बहुत रेगुलर लास्ट 4 ईयर्स में देखें जितना भी है 2 क्वेश्चन आया ही आया इससे। ऐसे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जेई प्रेफर करता है, इसका क्वेश्चन मेनली ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू थर्मो। ये थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है, इसलिए इसको जेई प्रेफर करता है और इसमें क्वेश्चन भी मिल जाता है अच्छा खासा। SHM में एक क्वेश्चन फिक्स है, ये भी फिक्स है SHM में क्वेश्चन, SHM हर साल आता है क्वेश्चन इससे, और वेव्स में आए तो 0 से 1, वेव्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, बिकॉज SHM ज़्यादा टॉपिक है बड़ा एज कम्पेयर टू वेव्स, इसलिए SHM से एक क्वेश्चन फिक्स किया गया है। तो यहाँ SHM और वेव्स से बोल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें मेनली आप 1 क्वेश्चन फिक्स रखो, आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें आपको फोकस करना है तो आप फोकस कर सकते हो, SHM में फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू वेव्स, अगर आपको वेव्स छोड़ना है तो। ऐसे छोड़ना तो किसी को नहीं है, करना सबको है, लेकिन बाई चांस सेफ्टी के लिए। अब 11 यहाँ फिनिश होता है, अब आते हैं 12 में। सो 12 में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 to 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 to 2 क्वेश्चन है, तो अब बोल सकते हैं यहाँ पे 1 क्वेश्चन गिनना तो कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन तक भी आता है बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको ही पता है। कैपेसिटर 1 to 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 to 3 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कन्फर्म है आना, और ये 2 क्वेश्चन तक गिरा है, बहुत लास्ट ईयर्स में 2 क्वेश्चन रेगुलर गिरा है, 2 क्वेश्चन आया ही है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको करना चाहिए, इन दिनों में सबसे बेस्ट ईयर रहेगा बिकॉज इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गिरता है, और ये थोड़ा लंबा भी है, वैसे तो लंबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, बट देखो आपको जैसा ठीक लगे अब ये कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स, आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आओ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में यार और मैग्नेटिज्म दोनों मिला के 1 to 3 क्वेश्चन आता है, इसमें से ये बोल सकते हो आप 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। कितना क्वेश्चन कन्फर्म है? 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, एकदम आएगा ही आएगा। एक मैग्नेटिज्म से हो सकता है, एक इससे हो सकता है, इसी से, या तो 0 to 2 भी हो सकता है, अल्टरनेटिवली चलेगा। अब अल्टरनेटिंग करने में यहाँ पे 0 से 2 तक रहता है, 0 से 2 क्वेश्चन। अब 0 to 2 क्वेश्चन आप मेनली 1 मान सकते हो कि आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। वैसे ये छोटा टॉपिक है, इजिली कवर हो सकता है। EM वेव्स कन्फर्म है 1 to 2, EM वेव्स बहुत अच्छा टॉपिक है और ईजी भी आप कर सकते हो। EM वेव्स आएगा ही आएगा, 1 to 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। ऑप्टिक्स में आओ तो 2 to 4 क्वेश्चन, बाप रे बाप, ऑप्टिक्स बहुत है बिकॉज इसमें दोनों है ना, आपका ज्योमेट्रिकल है, मीन्स आपका पार्टिकल भी है और वेव भी, पार्टिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, मीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बोल सकते हैं, दोनों है। इसीलिए यहाँ पे दोनों से एक एक पार्ट अगर टच करता है तो मिनिमम 2 आता है और मैक्सिमम 4 तक जाता है, तो आप मेनली इसको 3 मान के चलो कि 3 क्वेश्चन कन्फर्म है आना, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स में आओ, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेमी कंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम अलग अलग है। मॉडर्न फिजिक्स का जो बात है, मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटॉम्स निकला है वगैरह, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपका सेमी कंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम अलग अलग रखे हैं बिकॉज इससे देखा गया है क्वेश्चन बहुत बार, और ये टोटल मिला के आप मान सकते हो मॉडर्न फिजिक्स, ऊपर का जितना है सारा को मॉडर्न फिजिक्स में आप रख लो, ठीक। सो मॉडर्न फिजिक्स का बात करें, पूरा एटम निकला वेव वगैरह मिला के, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, आपको केमिस्ट्री में मिलता है करने के लिए सेम चीज़। तो 2 to 4 क्वेश्चन इससे आता है, मीन्स 2 to 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आप इससे मान सकते हो, 3 क्वेश्चन इससे देख सकते हो, एवरेज मान सकते हो। 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है ना, तो 2 क्वेश्चन क्यों छोड़ेगा, बहुत ईजी चैप्टर है। सेमी कंडक्टर में गेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे भी कन्फर्म है 1 to 2 क्वेश्चन। गेट्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, लॉजिकल गेट्स का, ठीक है, याद रखना बार बार। कम्युनिकेशन सिस्टम में 0 to 1 क्वेश्चन आता है, तो ये टोटल मिला के हम बोल सकते हैं 2 to 6 क्वेश्चन आना तय है। देखो 2 to 6 तक टच किया है ये, इतना सिर्फ ये वाला पार्ट टच किया था, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट टच किया है, सो बोल सकते हैं 5 क्वेश्चन तक आना है इसमें। सो
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, बिकॉज ये कन्फर्म है। ऑप्टिक्स अगर आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो बिकॉज ये लंबा टॉपिक है तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हो बिकॉज अगर अभी शुरू करोगे, अगर आपका नहीं हुआ है तो ये होने वाला नहीं है, लंबा टॉपिक है, तो इसको अगर नहीं करना तो मत कर, बिकॉज ये तो हो सकता है इजी टॉपिक है। और ये तो अपना ब्रह्मास्त्र है, ये पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी को इसमें चूज करना है कि क्या करें तो ये एकदम कन्फर्म कर लेना बाबू, ये कन्फर्म कर लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्फर्म है आना, ठीक है। बाकी दोनों अगर नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स, बोर्ड्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए तो है ही। तो करंट कर लो, अगर नहीं हुआ है तो करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, ठीक। ऊपर में आते हैं तो ये आपको इतना क्वेश्चन मिल गया, ऊपर में आते हैं आपको काइनेटिक थ्योरी और थर्मो। काइनेटिक थ्योरी यहाँ पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे टू क्वेश्चन आपको एकदम गारंटी मिल जाएगा, ठीक है। टू क्वेश्चन फट से गारंटीड है, मिलेगा है, हो सकता है ज़्यादा में मिल जाए अगर अच्छा पेपर आया तो आपके हिसाब से। यहाँ आते हैं, इसको अगर आपको करना है तो ये अगर आप कर सकते हो, अगर आपका इलास्टिसिटी वगैरह ईजी है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, सारा पॉइजन रेशियो वगैरह सब कुछ का, सो कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इसको मत छेड़ना, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, देख लो इतना सारा टॉपिक्स आप करोगे तो 1-3 का आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है। सो इतना सारा आप करने के बाद 1-3 प्रोबेबिलिटी बनेगा, तो आपका अगर कम टाइम बचा तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये सब में से कुछ भी आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसको रिवाइज करके रखना, क्योंकि इसमें आने का चांसेस रहता ही है, आएगा ही। खास करके ये जो आपका फ्लूड का पार्ट है, फ्लूड का पार्ट तो कभी अभी लास्ट ईयर से थोड़ा टच नहीं कर रहा है, बट इलास्टिसिटी टच करता ही है, सो इलास्टिसिटी आपको मेनली मिल जाएगा अच्छा से। तो ये सब, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट, ये दो पार्ट आप अच्छा से कर सकते हो, अगर आपका नहीं है तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बाकी सब क्यों प्रॉब्लम। ऊपर की तरफ आते हैं यार, तो ऊपर की तरफ में ये देखो रोटेशनल डायनेमिक्स, अपना रोटेशनल डायनेमिक्स कन्फर्म है आना, ठीक है। 11 में कुछ देखना है तो आप रोटेशनल डायनेमिक्स देख सकते हो और सर्कुलर मोशन देखो, ये दोनों सर्कुलर पार्ट वाला जितना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल डायनेमिक्स को देखो, अब वर्टिकल सर्कल वगैरह सब कुछ, साथ साथ सर्कुलर मोशन का सारा एस्पेक्ट को देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एंड एनर्जी, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में आपका क्या है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और काइनेमैटिक्स अगर आपका है तो अच्छी बात है, बिकॉज काइनेमैटिक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है, ध्यान देना, काइनेमैटिक्स में आपको सारा करना पड़ेगा जो चैप्टर्स है उसका, पूरा प्लेन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। सो काइनेमैटिक्स अगर आप करते हो, अगर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। सो अगर आपका है तो सही है, फिक्स है, क्योंकि देखो आप अभी वो टॉपिक करो जो जो फिक्स है आना, ठीक है, फिक्स है, उसका प्रायोरिटी मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। उस चैप्टर को मत क्लिक करो, अगर आपका प्रिपरेशन वीक है थोड़ा, उस चैप्टर को मत क्लिक करो जिससे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बिकॉज बाई चांस नहीं आया तो जिसका फिक्स है वो गारंटीड है आएगा ही आएगा, बिकॉज वो ऐसा बना ही है। क्योंकि जेई सेलेक्ट उस क्वेश्चन को करता है जो आपका इतना टाइम में बन जाए, फिजिक्स का क्वेश्चन यार बड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। सो अगर आपसे क्वेश्चन लंबा बन रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, जितना टाइम है बहुत ज़्यादा लग रहा है, मीन्स आप गलत बना रहे हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। और ये जो टॉपिक्स है ये सब कन्फर्म इसीलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इजिली क्रिएट किया जा सकता है। सो ये था आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काइनेमैटिक्स पहला हो गया, ये वाला रोटेशनल डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन दूसरा हो गया, उसके बाद थर्मो एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएम वेव्स हो गया, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा टॉपिक। और मैग्नेटिक इफेक्ट से या ये सब में से आप कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया ये बहुत कन्फर्म है करना अगर आप इतना करते हो। सो यहाँ पे यार, यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तक मिल सकता है तो 4 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेगा 4-6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस तक मिलेगा तो 6-9 हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो 11 हो गया, 11 के बाद यहाँ पे आपका 5-6 क्वेश्चन आएगा ही, तो आप मान सकते हो 17 तक चल गया। सो 17 क्वेश्चंस आपका इजीली आप कर सकते हो, ठीक है, 17 क्वेश्चन ये सब कन्फर्म करके। और अगर ये सब जो मैंने टिक किया है ये सब में से अगर आपने किया तो मेनली 3 क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, तो हो चुका टोटल कितना 17+3=20, सो आपका 80 मार्क्स आपका इजीली गेन हो सकता है यार इसमें, 80 मार्क्स तक इजीली।
ये सब टॉपिक को करके कंप्लीट 80 मार्क्स तक कर सकते हो। बाकी सब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन वीक है तो 80 मार्क्स तक इजीली गेन कर सकते हो। फिजिक्स में मैंने बता दिया 60-70 मार्क्स कैसे गेन करना है, मैथ्स में तो 80+70 आपका 150 तो कंप्लीट हो चुका है अभी। अब अगली बार में फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री को भी देखेंगे वहाँ पर कितना गेन कर सकते हैं। सो आज के लिए पसंद आएगा इस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल एडुकेटिव वीके को, शेयर करना अगर आपको लगे ये इन्फॉर्मेटिव है, शेयर करना चला गया शेयर करना बिकॉज ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और बस अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी एग्जाम्स के बारे में जानना हो तो कमेंट कर देना।